हफ्ते कुछ खास बनाऊंगी। देखो तो मैंने सारा सामान ले लिया है या नहीं, कुछ भूल तो नहीं गई? अरे ये क्या, जिंजर गार्लिक पेस्ट लेना भूल गई। तो बहुत देर भी हो चुकी है, न चाहते हुए भी इसकी दुकान में ही जाना पड़ेगा। कहीं इसकी डेट खत्म तो नहीं हुई है? 3 घंटे में इसकी डेट खत्म? इससे पहले तो मुझे इसे खा लेना चाहिए अच्छी तरह से। अरे बाप रे, आज सूरज कौन सी दिशा से निकला है? मैडम क्या चाहिए बोलिए मुझे। मुझे जिंजर गार्लिक पेस्ट चाहिए। ले लो ना। तुम्हारी दुकान है, इतना सारा सामान क्यों खरीदा? कुछ स्पेशल है क्या? अरे वाह, आज चिकन नूडल्स बनने वाले हैं। आहा हा, मुझे बहुत ही पसंद है। मेरी फेवरेट डिश है। जल्दी से ये पैक करो और बिल दे दो। अब मेरा भी चिकन नूडल खाने का बड़ा मन कर रहा है। थोड़ा सा मटन भी डाल देना और शेजवान सॉस, बहुत अच्छा लगता है टेस्ट में। चीज डालने के बाद तो और भी लजीज बन जाता है। मुझे बहुत पसंद है। तुम जब बनाओगी अपने कोमल हाथों से, तो मैं उसका घोल इस तरह से लेकर अपने मुंह में डाल दूंगा। मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे देर हो रही है। लो। हाय मेरे चिकन नूडल्स। ये तुम क्या कर रही हो? मैंने न्यूज में सुना था कि लगातार अगर आप अपने माथे पर मारते हो तो आपकी भूख मर जाती है। क्या ये सच है? लेकिन मेरा तो चिकन मुगलई खाने का मन कर रहा है। मुझे चिकन मुगलई नहीं खाना। मुझे कुछ नहीं खाना, मुझे कुछ नहीं खाना। मुझे भूख नहीं लगी। मुझे डबल चीज पिज्जा नहीं खाना। मुझे चिकन मुगलई नहीं खाना। मुझे नहीं खाना। आप इतना सामान क्यों लाए? हमारे घर में पार्टी है। हमारे पड़ोस में जो लड़के रहने आए हैं वो आज खाने पे आने वाले हैं। हमने उन्हें इनवाइट नहीं किया ना, सोचा आज बुला लूं। ये कहाँ चली गई? अरे डार्क सर्कल्स बढ़ गए हैं। आइए, इसकी क्या जरूरत थी, आप भी ना। हाय। हाय। वेलकम। ओ, मुझे तो पता ही नहीं था आप लोग आने वाले हो, वरना मैं रेडी होकर आती ना। तुम दोनों यहाँ हो? मैंने तो देखा ही नहीं, क्योंकि मैं किताब पढ़ रही थी। प्लीज अंदर आओ। मैंने कुछ खास नहीं बनाया है, उम्मीद है तुम्हें ये पसंद आएगा। तुम लोग आते रहा करो। अब बताओ कैसा लगा? हाँ, मुझे तो पता नहीं कैसा बना है। खाना बहुत टेस्टी है। ओह सच में? मुझे माफ करना, तुम्हें जीना की वजह से चोट लग गई। जई, तुम्हारे मुंह पर कुछ लगा है। क्या लगा है? खूबसूरती। रॉबिन, वो थोड़ा कम करो। क्या क्या कम करो? भोलापन। तो तुम्हारे पेरेंट्स विदेश में रहते हैं, है ना? हाँ, वो मेडिकल वॉलंटियर का काम करते हैं। ओह, कैसे मैनेज करते हो सब कुछ? मैंने सुना है तुम्हारे पेरेंट्स नहीं है, फिर भी तुम्हें अच्छे मार्क्स आते हैं। हाँ, इससे पहले की स्कूल में ये हमेशा फर्स्ट आता था। तुम्हारे पेरेंट्स को तुम पर नाज होना चाहिए। काश जीना को भी अच्छे मार्क्स आते। अगर तुम जीना को पढ़ाओ तो मुझे भी उम्मीद है जीना तुम्हारी तरह अच्छे मार्क्स लाए। अगर उसे कोई एतराज ना हो तो हम साथ पढ़ाई कर सकते हैं। सच? हाँ। मैं तुम्हारी शुक्रगुजार रहूंगी। खाओ 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 और खाओ, मैं लेकर आती हूँ। ये खाओ, ये भी लो। और खाओगे? ये लो ना, इसे ट्राई करो। हाँ,
अरे इसे क्या हो गया है? लाइए मैं देखता हूँ इसे। क्या तुम इसे ठीक कर सकते हो? अरे वाह, तुम्हें कंप्यूटर ठीक करना भी आता है? मैं वायरस स्कैन के लिए इसमें प्रोग्राम इंस्टॉल कर देता हूँ, फिर ये जल्दी ठीक हो जाएगा। ओ, तुम तो जीनियस हो। इसी स्किल्स के जरिए इसने रिवेंज नोट बनाया होगा। देखो तुम मुझे पढ़ाना, पर मुझ पर रॉब मत झाड़ना। अरे नहीं, साथ में पढ़ाई करना हम दोनों के लिए अच्छा होगा। चलो वहां बैठते हैं। ठीक है। अगले हफ्ते हमारी सोशल साइंस की टेस्ट है, इसलिए हम पहले वही पढ़ेंगे। ओह, ये सब्जेक्ट मुझे बहुत पसंद है। ये पार्ट इम्पोर्टेंट है, इसलिए हम ये सवाल देखेंगे और इसके जवाब ढूंढेंगे। ठीक है। चलो हमारे जवाब देखते हैं। पहला सवाल गलत जवाब, दूसरा सवाल ओह ये थोड़ा अच्छा हो सकता था, गलत है। मेरा तो बहुत बुरा हाल है, तुम्हारे जवाब देखते हैं, दिखाओ। मेरा भी वही हाल है। अगली बार और मेहनत करेंगे। ठीक है। मुझे दिखाओ। नहीं, मैंने सब गलत लिखा है। चलकर दिखाओ। नहीं नहीं, अरे नहीं गिरोगी, कोई बात नहीं। आंखें बंद करो। नहीं, मुझे डर लग रहा है। चलो चलो, मेरा हाथ पकड़ो, तुम कर लोगी। चलो ना, मैं हूँ तुम्हारे साथ। ट्राई कर रही हूँ। अरे नहीं गिरोगी, मैं गिर जाऊंगी। देखो ध्यान से, मैंने सही किया ना? मैंने कहा था। मेरा हाथ पकड़ो, मैं गिर जाऊंगी। मैंने कहा था ना मजा आएगा। आज मुझे देर हो जाएगी, खाना खा लेना। आपको कब देर नहीं होती? तुम हमेशा देरी से आती हो, तुम्हें देरी क्यों होती है? ये कौन है? कोई मजाक तो नहीं कर रहा? ये क्या हो रहा है? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग।
सर अपनी डरावनी शक्ल तो देखो। वो तुमने तो मुझे डरा ही दिया था, मैं बहुत अजीब लग रही हूँ देखो। ये मजेदार था, तुम्हारी डरावनी शक्ल देख के सबको मजा आया। जरा देखो तुम्हें कितने लाइक्स मिले हैं। आज मैं तुम सबकी सीट्स बदलूंगी, ठीक है? और इसमें से हम चिट्स निकालेंगे। जो जो नंबर जिसके पास आएगा उसे उस सीट पर जाकर बैठना होगा। चलो निकाल। आज तो मजा आ गया। हाय रॉबिन, मेरी किस्मत कितनी अच्छी है। मजे करो। जब तक मैं ना कहूँ तुम सबकी यही सीट्स रहेंगी, ठीक है? चलो ऑल द बेस्ट। हाय, मैं दूर से देख नहीं पाती, क्या मैं तुम्हारी सीट पर बैठ जाऊँ? ठीक है। दोस्तों, हम सबकी पहली क्लास आर्ट की है, इसलिए हम सबको आर्ट रूम में जाना होगा। जीना चलो जल्दी करो, मेरे पेट में दर्द हो रहा है। तुम जाओ, मैं आती हूँ, ठीक है? आपको टाइम पर आना चाहिए ना, जाइए पीछे कहीं बैठ जाइए। आज हम लोग पेंसिल के सहारे पोर्ट्रेट ड्रॉ करेंगे। जोड़ियां बनाओ और एक दूसरे की तस्वीर ड्रॉ करो। और हाँ, गलती से कहीं मेरी तस्वीर ड्रॉ मत कर देना। जैसा कि हमने सीखा, शांत हो जाओ। पहले बड़ी लाइन से शुरुआत करो और फिर उसे शेड देना ताकि तुम्हें तीन आकार के इफेक्ट मिले। समझ गए? चलो शुरू करो। तुम बहुत खूबसूरत हो, मुझे मेरा मॉडल बहुत पसंद है। चुपचाप ड्राइंग करो। क्लास, आज के लिए इतना काफी है, अगली बार इसे खत्म कर देना। तुम्हें इसके लिए मार्क्स दिए जाएंगे, ठीक है? थैंक यू। थक गया। तुमने डॉगी की पिक्चर बनाई है? तुम दिखते भी तो वैसे ही हो। आई, अब ये क्या है? क्या, मैंने तो फिर भी अच्छी तस्वीर बनाई है। तुम तो इससे भी बुरी दिखती हो। तुमने तो बहुत अच्छी तस्वीर बनाई है। क्या जीना की नाक इतनी शार्प है? ये क्या, तुमने तो कुछ भी नहीं बनाया। मैथ्स कंपटीशन के लिए तो मिस क्लास में बैठोगे। मिस मैंग ने तय किया है, मुझे तुम्हारी सीट पर बैठना है। हाँ बैठो ना। अगर ये मेरी क्लास में होता तो मैं इसके फोटो खींच के सोशल मीडिया पर डालती। हमारी टेस्ट हो चुकी है, हमें घर जाना होगा। अब चलो चलो। मेरी
इस क्लास में आने के लिए तुम सबका थैंक यू। तो हम आज का क्विज कंपटीशन अब शुरू कर सकते हैं। मैथ्स टेस्ट में ये सवाल पूछा गया था, किसी को इसका जवाब पता है? जय, तुम्हें ये आता है? इधर आओ और हमें बताओ। अरे वाह, तुमने तो कमाल कर दिया, बहुत बढ़िया। अरे वाह, अब तुम जा सकते हो। मुझे नहीं लगता मुझे इसे एक्सप्लेन करने की जरूरत है। अगर तुम लोग मैथ्स में इसी तरह की ट्रिक्स अपनाओगे तो मैथ्स की प्रॉब्लम सॉल्व करने में मजा आएगा। चलो अब ये प्रॉब्लम सॉल्व करके देखते हैं। इसकी वजह से तो मेरा पढ़ाई में मन भी नहीं लग पा रहा है, मैं क्या करूँ? इसे सब कुछ आता है, इसलिए मुझे जलन होती है। जीसू, इस बार शायद तुम्हारा पहला नंबर जाएगा। इसमें हैरानी की क्या बात है, अब तक टेस्ट नहीं हुआ है। सौंगी, सही कहा ना मैंने? तुम सही कह रहे हो। हाय। ओ हाय, तुम यहाँ बुक खरीदने आई हो? इसमें ज्यादा अच्छे तरीके से प्रॉब्लम सॉल्व किए हैं। अच्छा, तो मैं भी यही लूंगी। थैंक यू। मैं पर्स लाना भूल गया। मैं पैसे दे देती हूँ। मेरी मदद करने के लिए थैंक यू, मैं कल लौटा दूंगा तुम्हें। ठीक है। मजे कर रही हो, मुझे धोखा दिया तो ठीक नहीं होगा। मिस्टर किम, आप आ गए? तुम आ गई?
बहुत टाइम लगा दिया। सॉरी, मुझे थोड़ी देर हो गई। कोई बात नहीं, मैं पढ़ रहा था। मैंने ये नई बुक ली है। अंदर चले। तुमने इसे अब तक ठीक नहीं करवाया? मैंने मॉम से कहा तो था, लेकिन जल्दी ठीक करवा लो, तुम ज्यादा सेफ रहोगी। ये क्या, तुम नई बुक ले आई? मेरे दोस्त ने इसे खरीदने को कहा। सर, क्या आप इसे सॉल्व करेंगे? ये एक मजेदार मैथ सम है, क्रिएटिव थिंकिंग के लिए अच्छा है। इसका जवाब क्या होगा? देखा, है ना मजेदार? मेरी क्लास में एक जेई नाम का लड़का है, उसने इसे 5 सेकंड में ही सॉल्व कर दिया था। सब लोग चौंक गए थे। अच्छा? सबने तालियां भी बजाई। वाह, क्या बात है! मुझे तुम्हारे स्नेह क्लासमेट से जलन हो रही है। चलो बाय। बाय। अरे हाँ, कल तो तुम्हारा बर्थडे है ना? हाँ। मैंने तुम्हारे लिए गिफ्ट लिया हुआ है, मुझे याद दिला देना। उसकी कोई जरूरत नहीं है, थैंक यू सो मच। अब अंदर जाओ। ओके, बाय, थैंक यू। मैं दूर से देख नहीं सकती, तुम्हारी सीट पर बैठ जाओ। मुझे दिखाओ। नहीं, मैंने सब गलत आंसर्स लिखे हैं। Happy birthday to you. Thank you so much. Middle school में अपनी best friend के साथ ही मेरी पहली birthday party. हम इसी तरह birthday celebrate करेंगे. मैंने तुम्हारे लिए एक और केक बनाया है. ये देखो. ये तो बहुत प्यारा है. तुमने मुझे डरा दिया. अरे ये देखो. हाँ, ऐसे? हाँ। हम कितने खुश थे, बहुत खुश थे हम साथ में। क्या मुझे इसके बारे में जय से पूछना चाहिए? जय, क्या तुमने कभी किसी से रिवेंज लिया है? अब मैं ये क्या बोल रही हूँ?
किसका मैसेज है? जीना, तुम्हें पता है कल क्या है? मैं उसी पार्क में तुम्हारा इंतजार करूंगी जहां हम पहले मिले थे। तुम आओगी ना? तुम्हें तो ठीक से चलना भी नहीं आता जीना। तुम्हें लगता है मैं तुम्हारा बर्थडे सेलिब्रेट करने आऊंगी? कभी नहीं, मैं नहीं आऊंगी। काश मेरी नाक शार्प हो जाए। ये क्या है? ये कपड़े की पिन है ना? नहीं नहीं, अगर तुम अपनी नाक पर इसे लगाकर रखो तो थोड़े टाइम बाद तुम्हारी नाक शार्प हो जाती है। ये सब बकवास है। तो क्या मेरी नाक शार्प हो गई है? बिल्कुल भी नहीं। पागल हो क्या? तुम कहाँ जा रहे हो? काम पे? तुम अपना काम करो। तुम देर तक बाहर रहते हो इसलिए जेई को फिक्र होती है। मैंने सुना है तुम्हारे पेरेंट्स ने तुम्हें बहुत पैसे दिए हैं, तो फिर तुम्हें काम पे जाने की क्या जरूरत है? तुम्हें उससे क्या? मैंने सुना है तुम बर्गर शॉप में काम करते हो। मेरे लिए कुछ बर्गर्स लेकर आना और फ्रेंच फ्राइज भी। आज हम बहुत अच्छे लग रहे हैं। हाँ, सही कहा। मेरा मेकअप ठीक है ना? तुम तो कमाल लग रही हो। सच में? वो तुमसे तुम्हारी आईडी नहीं पूछेंगे? मैं तो बहुत छोटी लगती हूँ, कहीं मेरी वजह से हम पकड़े गए तो? फिक्र मत करो, वो सबसे पहले तुम्हें अंदर लेंगे। क्या? आईडी दिखाइए जल्दी। हम कॉलेज स्टूडेंट्स हैं, आपको दिख नहीं रहा क्या? हम आईडी क्यों दिखाएं आपको? आईडी दिखाओ जल्दी। मान भी जाओ ना, हम आईडी लाना भूल गए। आईडी के बिना तुम अंदर नहीं जा सकती। हम आईडी लेकर नहीं आए हैं। यहाँ के रूल्स बहुत सख्त हैं। चलो घर जाओ। चलो कहीं और जाते हैं। ये तुमने क्या किया? तुमने मुझे क्यों नहीं रोका? शक्ल देख के लोगों की उम्र का पता नहीं चलता। तुम वहाँ पे क्यों रुकी? तुम भी तो रुकी थी। सब तुम्हारी वजह से हुआ। सब तुम्हारी गलती है। सारा मूड खराब कर दिया। हमें अंदर क्यों नहीं जाने दिया? तुमने उसे कहा नहीं? तुम अभी तक छोटी हो। उसकी आंखों में कुछ गड़बड़ थी। चलो अगली बार और तैयार होके आएंगे। क्या मुझे गुस्सा आ रहा है? ठीक है, तुम जाओ, मैं यहीं रुकती हूँ। बाय बाय। ओ, क्या लग रही हो। चलो निकलो यहाँ से। अब चलो बिना। मैंने कहा ना जाओ। तुम्हारी इतनी हिम्मत? तुम्हें अरे अब तू कौन है? पुलिस आ गई, चल यहां से। छोड़, किस्मत अच्छी है जो तू बच गया। चल, 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 चल। मैं बहुत डर गई थी, थैंक यू मुझे बचाने के लिए। तुम यहाँ क्या कर रही हो? घर जाओ अपने। ओह
माय गॉड, ये कितना अच्छा है और कितना प्यारा भी है। Hey, what's up? What's up? इसका मतलब ये हमेशा यहाँ पर आता है। तुम पकड़े गए रॉबिन। बच के रहना।